गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो यार आज का सीन कुछ ऐसा है, मेरे को वैसे अपना घर जाना था क्योंकि आज नीडकंडू केडी खासा चार और न्यूज गोट का काफ़ी तगड़ा मीटअप है, मतलब कॉन्सर्ट होने वाला है, मीटअप होने वाला, काफ़ी मजा आता है वहाँ पे। बट आज मम्मी ने घर रोक लिया मेरे को, कहते हैं कि मेरे को बराड़ा लेके चलो शॉपिंग पे। और भाई हम रुक चुके हैं और दीदी और मम्मी करके चलते हैं बराड़ा शॉपिंग वगैरह पे, और एक घंटे से बाहर वेट कर रहा हूँ, अब तक नहीं आए। अब चलते हैं घर पे, उनको बुला के लेके आते हैं। तो कैसे आप लोग लोग रावरे में तो 11 बजे रखा है ना। आज तुम लोग हैं, आज का भी लोग देख लिया क्या? मैंने तो डाल लिया था, देखना चाहिए। मैंने तो देख लिया। देख लिया, बहुत अच्छा बना, जरूर टाइम लगा आपने। तो यार अभी उनको बोल तो आया हूँ कि आ जाओ बाहर, और कह रहे हैं कि 5-10 मिनट लगेंगे, इतना मैं अपनी गाड़ी वगैरह मोड़ दूँ। आज ना दीदी को कहूँगा दीदी आप कार चलाओ, मैं आराम से साइड में बैठूँगा। सो गाइस फाइनली अभी बराड़ा पहुँच चुके हैं, और जो भी उनका सामान वगैरह रहेगा सामने क्लॉथ हाउस है, अभी लेने चलते हैं यहाँ पे। यार अभी आ चुके थे यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए, काफ़ी भीड़ बड़ा खोआ पड़ा है यहाँ। और भाई अभी साइड में भी एक दुकान है, मतलब इनकी अटैच है साइड में भी और नीचे भी, मतलब कम से कम 100-150 बंदा यहाँ पे इकट्ठा हुआ होगा सामान वगैरह लेने के लिए, जिसमें से हम भी हैं। सो गाइस अभी थोड़ा बाहर आए थे, जो अपनी गाड़ी थी यार इसको थोड़ा पीछे करें क्योंकि भाई की गाड़ी निकलती होगी यहाँ से, तो अभी गाड़ी निकालते हैं यहाँ पे। दिक्कत यही है यार यहाँ पे, जैसे मान लो सड़क पे कोई दुकान हो ना, पार्किंग के बहुत इशू आता है यहाँ पे। अब आप खुद देखो भाई, आधी कार है मतलब सड़क के ऊपर खड़ी हुई है, हमारी तो फिर भी साइड में लगी हुई है। हाँ जी, अच्छा जी, पहले गाड़ी पार्क कर दे। तो यार यहाँ पे मेरे को ना कम से कम 1.5 से 2 घंटे होने को है, और अब तक भाई ये भी कलर डिसाइड नहीं हुआ है मेरा, और सारे में मतलब कपड़े हुए पड़े हैं यहाँ पे। बोलता हूँ यार मम्मी जल्दी कर लो थोड़ा सा, और यार सिटी में नगरी चला जाता है, आज वहाँ कम से कम मिल तो लेता है किसी से। यार अगर इनकी जगह ना मैं होता यहाँ पे, और मेरे को मतलब अगर कपड़े देखने होते मेरे अपने खुद के, भाई साहब 5 मिनट के अंदर एक पैंट एक शर्ट काम खत्म। अब तक ना सिर्फ एक सूट फाइनल होगा, 1.5 घंटे में सिर्फ एक सूट फाइनल होगा, और अभी भी कम से कम 3-4 देखने हैं मेरे, कम से कम 2-3 घंटे भाई वेस्ट है यहाँ पे मेरे को जाने वाला है। और मेरे को 1% की नॉलेज नहीं है, इनको क्या दिलवाऊँ, मेरे को बस ये पूछ रहा है कलर कौन सा अच्छा है, ये वो बस। कब का फ़ोन मैंने लगा पड़ो, फ़ोन की बैटरी भी 3% रह चुकी है। मम्मी जी कितने कपड़े लोगे आज? सॉरी सॉरी, मैं तो खर्चा पता करवाऊँगा। खर्चा कितना हो जाएगा है? खर्चा कितना होगा? बाद में पता लगेगा ना। ये नहीं मानते भाई, 10,000 तो नीचा आप और तो नहीं मानने, 10,000 तो नीचा। तो यार फाइनली कपड़े वगैरह उन्होंने फाइनल कर लिए मम्मी और ने, और मैं गाड़ी में आता कैश वगैरह लेने के लिए, और जिस हिसाब से मतलब उन्होंने ना कपड़े लिए हैं, मेरे को तो लगता है कि मतलब कैश में बात बनेगी, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाएंगे, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। फाइनली मोटा खर्चा करवाने के बाद पूरा एक बैग भर के अब चलते हैं यार घर पे, या फिर देखते हैं उस मार्केट में रुकते हैं जूस वगैरह पीने के लिए। आजो। तो यार अभी आधी मार्केट से वापस उल्टा होके आया हूँ यहाँ पे दोबारा सूट चेंज करवाने के लिए, और अभी गए हैं मम्मी और दी सूट चेंज करवाने के लिए। मैं आराम से कार में बैठू कि भाई मेरे आ गए हो अभी, और भाई मेरे बस का तो है नहीं इतना घूमना फिरना यहाँ पे। यार मेरे को कुछ नॉलेज नहीं आई थी कि क्या सूट क्या सिलवानी क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, वहाँ बोर ही हो गया बैठा हुआ यार। तो यार अभी गाड़ी दीदी को देते हैं चलाने के लिए, और दीदी को कहेंगे आप चलाओ।
तो यार सारी शॉपिंग वगैरह करके फाइनली आ चुके हैं घर पे। और घर पे आके भाई एक बार मौसम चेक करो, पीछे धूप आई पड़ी है और सामने भाई पूरा बादल काला हुआ पड़ा है वो। और कम से कम भाई 4 या 5 घंटे लग चुके हैं हमारे बाहर, यहाँ पे 4 बज चुके हैं पूरे प्रॉपर। यार एक तो सबसे बड़ी बात तो वहाँ जाके ना बोर हो जाते हैं कुछ काम, मतलब मैं तो वहाँ फ्री बैठा था, कुछ काम था ही नहीं मेरे को वहाँ पे, कि मतलब कुछ काम क्या ही देखूँ मैं वहाँ, क्या कुछ नहीं, एक तो नॉलेज नहीं कपड़े वगैरह की इनके, क्या कपड़े हैं क्या कुछ नहीं, और बस यही था। और अब चलते हैं यार सीधा, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके दुकान पर चलते हैं। अब यार अभी मार्केट से थकार के आने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गए थे, और अभी यार 5:30 बज रहे हैं शाम के, तो थोड़ी देर वगैरह दूध वगैरह निकाल के फिर यार दुकान पे चलते हैं, ये फिर अपना घर बैठ के जो थोड़ा बहुत काम वगैरह मेरा है वो करूँगा मैं। तो अभी चलते दूध वगैरह निकालते हैं पहले, तो मम्मी जी पहुँच चुके हैं पार्टी वगैरह लेके पहले ही मेरे से। यार आज फिर कॉम्पिटिशन था मम्मी और मेरे बीच में, और मैंने तो फिर दूध निकाल लिया, मम्मी जी ने भी थोड़ा सा ही निकाला है। अच्छा मम्मी जी मकान डूगा है, निकल गई। अरे दूध वगैरह निकाल लिया है और एकदम मस्त बड़े फ्री हो चुके हैं, और अब चलते हैं दुकान पे, फिर दुकान वगैरह बढ़ा के वहाँ पे जो भी काम पेंडिंग वगैरह वो करके, और फिर घर आएंगे अपना वर्कआउट वगैरह करेंगे, और आज यार थोड़ी सी राइटिंग भी करनी, थोड़ी जो मिनी व्लॉग्स हैं उनकी, और एक साथ ही डाल दूंगा मैं 3-4, क्योंकि यार अभी टाइम भी नहीं लग रहा है मेरे को। तो गाइस अभी चलते हैं घर पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है दुकान पे भी, और साथ हैं पापा जी हैं, और मैं पापा जी चलते हैं घर पे, दुकान वगैरह बना देते हैं। तो यार अभी दुकान से तो घर आ चुके थे, और कल की तरह हमेशा भाई लेट हो चुके हैं, तो जैसे पहले भी थे 3-4 दिन से लेट चल रहा है वर्कआउट में, और अब चलते हैं वर्कआउट वगैरह करते हैं अपना, और वर्कआउट के बाद बात करते हैं जो भी रहेगा, अभी वर्कआउट कर लेते हैं। तो यार अभी अच्छे वगैरह करके फ्री हो चुके हैं, और आज बस स्ट्रेंथ वर्कआउट ही किया था, कार्डियो नहीं की रही आज, और अब नहा धो लेते हैं, नहा धो के फिर बात करते हैं। और हाथ पे आज पेड़ गिर गई, बड़ी गंदी गिरी है यार। सो गाइस अभी डिनर वगैरह करके अभी ऊपर आए थे, और अभी टाइम रात के 11:30, और यार चैलेंज जो डेली व्लॉग्स का था वो खत्म होने वाला है अभी, आई थिंक 26th वीडियो है मेरी ये, और 4 वीडियो रहेगी, 30 दिन का चैलेंज था, और 30 दिन के अंदर अंदर यार अभी आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया भाई, व्लॉग्स कंटिन्यू करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जो चैलेंज था मतलब एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। अब पहले मतलब मजाक में शुरू किया चैनल सच बताऊँ तो, और मजा आने लगा वीडियोज बनाने में और कैमरा उठा के घूमने फिरने में, और बस यार ऐसे ही प्यार बनाए रखो, और दिल से शुक्र है भाई 252 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।